अब आगे जो चरित्र आया है, उत्तानपाद की दो धर्म पत्नी, एक सुनीति एक सुरुचि। सुनीति सतमार्ग को निश्चित करने वाली, मार्ग को प्रशस्त करने वाली। सुनीति के गर्भ से कोई संतान नहीं। सुनीति ने आज उत्तानपाद से कहा कि मेरे गर्भ से कोई औलाद नहीं हो रही, आपसे निवेदन है आप दूसरा विवाह कर। उत्तानपाद बोले, नहीं सुरुचि सुनीति, मैं विवाह नहीं करूंगा क्योंकि मैं तुझे अधिक प्रेम करता हूं। अरे जब मेरे गर्भ से संतान नहीं हो रही तो आपको दूसरा विवाह करने में दिक्कत क्या है? नहीं 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 नहीं, मैं विवाह नहीं करूंगा। नहीं मानी सुनीति, जिद पर अड़ गई और अपने पति का विवाह अपने काका की लड़की सुरुचि के साथ में करा दिया। जब सुरुचि के साथ में विवाह हो गया, आज सुरुचि शादी कर राजमहल में प्रवेश करी, इतने में सुनीति चक्कर खाकर नीचे गिरी। वेदों को बुलाया, डॉक्टर को बुलाया तो कहा ये गर्भ से, सुरुचि को लगा मेरी ताऊ की लड़की ने मेरे साथ छल किया। जब ये गर्भ से थी तो मेरी शादी क्यों करी इसने अपने पति के साथ? इतना क्रोध सुरुचि को आया, तो सुरुचि ने सुनीति को अपने पति से कहकर धक्के मारकर निकलवा दिया। सुनीति वन में पहुंच गई, गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम ध्रुव हुआ। उधर सुरुचि के गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम उत्तम। ध्रुव जी महाराज 4 वर्ष की आयु, और 4 वर्ष की आयु ध्रुव जी महाराज वन में विचरण कर रहे थे। इतने में देवऋषि नारद वहां पहुंच गए। देवऋषि नारद ने पूछा, ध्रुव तुम कौन हो? ध्रुव जी कहते हैं, मेरा नाम ध्रुव है। आपके पिता का नाम मैं जानता नहीं, माता का नाम सुनीति है। मैं केवल माता को जानता हूं, मेरी माता में ही मुझे पिता का दर्शन है। माता में पिता का दर्शन मुझे हो रहा है। तुम्हारे पिताजी का नाम नहीं मालूम? नहीं। नारद जी ने बोला, इस सृष्टि का जो सबसे बड़ा राजा है उत्तानपाद, वो तेरा पिता है। इतना सुनते से ध्रुव जी महाराज दौड़ कर गए और राज सिंहासन पर जहां पिता बैठे थे उनकी गोद में जाकर बैठ गए। छोटी माँ ने हाथ पकड़कर उठाकर पूछा, रे कौन है तू? ध्रुव कहते हैं, मैं माता सुनीति का पुत्र, मेरा नाम ध्रुव है, मैं इनका पुत्र हूँ। इतने में सुरुचि ने कहा, सुन रे ध्रुव, अगर तुझे पिता की गोद में बैठना है तो पिता की गोद में अगर बैठना है तो पहले भगवान का भजन करना पड़ेगा। भजन कर दूसरी बार जब पैदा हो तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, तब जाकर तू पिता की गोद में बैठ पाएगा। माँ ने धक्के मारकर निकाल दिया। ध्रुव जी रोते रोते चले, आंख में आंसू थे ध्रुव जी महाराज। माँ के पास पहुंचे, माँ माँ ध्रुव क्या बात है बेटा? माँ मुझे छोटी माँ ने धक्के मारकर निकाल दिया और कहती है, अगर पिता की गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा और मेरे गर्भ में आने के लिए भगवान का भजन करना पड़ेगा। अगर कोई दूसरी माता होती तो झगड़ा करने पहुंच जाता, पर सुनीति कह रही है, बेटा तेरी छोटी माँ गलत नहीं बोली, और सुन पिता की गोद में बैठने के लिए रोता है, अगर बैठना है तो परमपिता परमात्मा की गोद में जाकर बैठ जा, जिसकी गोद से कभी कोई नीचे नहीं उतरता, गोद उसकी होना चाहिए। बैठना है तो परमात्मा की गोद में बैठो, पर शास्त्र कहता है अगर घर में आप थोड़ी देर फ्री हो तो ओटले पर जाकर मत बैठो, ये गर्ग संहिता कहती है। क्यों? ओटले पर पूतना बैठी थी और उसने विष उगला था, इसलिए आज भी ओटले पर जो बैठती हैं, 3-4 बैठ गई, 5-6 बैठ गई, ये अमृत नहीं उगलेंगे। कोई निकल कर गई तो उसकी बुराई चालू हो जाएगी, कोई सब्जी लेने जा रही उसकी बुराई चालू, कोई कोई काम के लिए जा रहा है उसकी बुराई चालू, विष ही उगलता है।